8 बज रहे हैं और धूप देख रहे हो कितनी तेज वाली हो रही है। और भैया वहाँ पे हैं, हम लोग बस घर जा रहे हैं। आज बहुत हार्ड वाली वर्कआउट हुई है, मतलब फील हो रहा है ये सब चीज़ें। अभी चलो चलते हैं घर को। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम बज रहे हैं 10 और नैन्सी जा चुकी है कोचिंग अपनी और हम लोग घर पे। आज सेकंड सैटरडे है तो शायद मम्मी नहीं जाएंगी, वो घर पे ही हैं। और ब्रेकफास्ट अभी किया नहीं है तो चलो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बना है। जिम हो आए हम लोग तो चलो चलते हैं किचन में। सो फ्रेंड, आज नाश्ते में बने थे ये पनीर के पराठे और थी चटनी। ये मेरे ना सबसे ज़्यादा वाले फेवरेट, मुझे ना इसको देख रहे हैं तभी मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा खा लें। ब्रेकफास्ट करते करते है ना, मौसम ने मूव ले लिया है रेन की तरफ। मॉर्निंग में इतनी धूप थी और लगा था पूरा दिन धूप रहेगी, पर अब हो रही है बारिश। मतलब 11 समथिंग का टाइम है और यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज वाली और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। और मैं छज्जे पे खड़ी हूँ, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अब की यार बारिश ना, आप मानते हो कि आपकी बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है? मतलब अक्टूबर चल रहा है और अभी भी बारिश रोज़ हो रही है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट में बताइए। मुझे तो अब की ऐसा लग रहा है कि बारिश कुछ ज़्यादा ओवर बारिश हो रही है आपकी। तो फ्रेंड, दिन में खाने में बना था लाल मसूर की दाल, चावल, रोटी और चटनी अचार, ये सब चीज़ें थी। पर मेरा ना रोटी वोटी खाने का मन नहीं हुआ तो मैंने सिर्फ दाल चावल खाया। सो फ्रेंड, गुड इवनिंग, हो गई है शाम और आज मैं पीने जा रही हूँ अपनी मैजिक ड्रिंक, कलर चेंजिंग ड्रिंक। एग्जैक्टली से मैजिक ड्रिंक ही बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मैंने ना शॉर्ट के लिए बनाई है, मतलब पीना तो है ही मुझे, तो पीने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में हम आप लोग को बता जाए शॉर्ट में। तो इस वीडियो से पहले शॉर्ट आ जाएगी, टेस्ट करके देखते हैं। हाँ यार, ऐसे हर्बल टी पी के बड़ा मज़ा आता है, तो इसे पियेंगे और बाहर चलेंगे क्योंकि बाहर पी रहे हैं सब लोग चाय और ब्रेड, तो चलो उनके पास चलते हैं। चलिए, सो फ्रेंड, बाहर हो रही है बारिश और मौसम बहुत ठंडा है और सब लोग ना धीरे धीरे चादर ओढ़ ओढ़ के सो गए हैं। तो समय घर में सब सो रहे हैं, मम्मी, नैन्सी और दादी तीनों सो गए। चाय वाय पी चुके थे लेकिन ठंडा मौसम है तो ओढ़ लिया है उन लोगों ने चादर वगैरह, तो सो गए हैं। मैं दिन में सो चुकी थी तो मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, जब तक वो लोग सो रहे हैं अपन लोग कोई एक डिश बनाते हैं अच्छी सी, क्योंकि थोड़ा वो लिटिल बिटिल कुछ खाने का मन कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ पोहा रोल बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आलू रखते हैं, 2 से 3 आलू रखेंगे। तो रखते हैं यहाँ पे आलू और पोहे को भिगो के रखते हैं। चलो, दो पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ तक है पोहा और यहाँ तक का पानी, मतलब इतना सा पानी भर के उसको साइड पे रख देंगे। यहाँ हमारी आलू उबल रही है, अब चलते हैं थोड़ी सी प्याज व्याज काट लेते हैं। सो फ्रेंड, हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं, आलू बॉईल हो गई हैं और पील ऑफ भी हो चुकी हैं, पोहा अच्छे से सोक्ड हो गया था। तो अब यहाँ इसमें डालेंगे पोहा। आप ना कोई भी तरह का पोहा ले सकते हो, अगर पतला पोहा है तो और भी अच्छा, क्योंकि हम लोग को करना तो मैस ही है ना, और अगर मोटा भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोक करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मोटा वाला लिया है क्योंकि पतला भी है लेकिन वो थोड़ी क्वांटिटी में था तो मैंने मोटा लिया है। और थोड़ी सी हल्दी डाली है इसमें फॉर द कलर, तो यहाँ पे हल्दी डालेंगे और ग्रीन चिली डालेंगे, बहुत सारी ग्रीन चिली डालेंगे। और डालेंगे इसमें धनिया, क्योंकि धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है धनिया की, तो वो डालेंगे। और thank you।
और डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा क्या जितना आपको स्वाद अनुसार, जैसे कि कुकिंग चैनल बोलते हैं स्वाद अनुसार नमक। और जो मैंने आलू को बॉईल कर दिया था ना, उसे डालेंगे। और अब बस काम क्या है, इसे अच्छे से मैश करना, अच्छे से मिक्स करना पोहा और आलू को। और गाइस ना, इतना क्यूक और इतना टेस्टी स्नैक बनता है, मतलब अगर आप बना रहे हो ना तो आपको लगेगा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बेटर है, पर जब लोग खाना स्टार्ट करेंगे ना, ट्रस्ट मी, फटाफट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिस्पी होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है, इसका फ्लेवर इतने अच्छे होते हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं बनाए हो ये, तो ज़रूर ट्राई करना। घर के कुछ छोटे मोटे से सामान के साथ बन जाता है और टेस्टी बहुत रहता है। और जो वेदर आजकल का है ना, रेन वाला, उसमें ये खा सकते हो आराम से, क्योंकि अच्छा लगता है ना रेन के टाइम पे, थोड़ा सा फ्राइड थोड़ा सा चलता है इस टाइम पे। तो यहाँ पे अच्छे से मैश कर ले रहे हैं पोहा और आलू को, ताकि कलर भी मिल जाए और अच्छे से मिल भी जाए। और अब डालेंगे थोड़ा सा लेमन इसमें, अगर लेमन नहीं हो तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर लगता है। और बस हमारा बैटर हो गया है तैयार। अब मैंने ना ऐसे कुछ फिंगर्स लुक में बनाई थी और कुछ कटलेट्स बनाए थे, आप किसी भी तरह का शेप दे सकते हो, पैटी में, रोल में, फिंगर्स में। अगर फिंगर्स बनाएंगे तो मोर देन क्रिस्पी रहेंगे, ऐसे वाले में जो पैटी होती है वो अंदर से हल्की सी सॉफ्ट रहती है और ऊपर की तरफ क्रिस्पी रहती है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और बढ़िया तेल में मैंने डाल दिया। अच्छा हाँ, इसमें एक टिप ये है कि आप ना इसको गरम तेल में डालना, अगर ठंडे तेल में या फिर आँच स्टार्ट करके फिर डालोगे तो ये सारे खुल जाएंगे। और मैं ना इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग का मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था और मैंने गैस ऑन करके और इसे डाल दिया। और इकट्ठे नहीं डालना, क्योंकि ये सारा आलू है ना, आलू वैसे भी तेल में जाके खुलता है, तो आप एक या दो डालिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से निकल आएंगे। तो अब कर लेते हैं तैयारी चटनी की, क्योंकि यार स्नैक बने कुछ क्रिस्पी सा और चटनी ना हो वो इनकम्प्लीट सा लगता है। तो यहाँ धनिया मिर्चा टमाटर वाली चटनी बना लेंगे, जो कि हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है हर स्नैक के साथ, मतलब पकौड़ी और इन सब के साथ चटनी तो होनी ही चाहिए। फ्रेंड, हम लोगों के स्नैक तो बन गए हैं, अब बारी है चाय बनाने की। चाय साइड में चढ़ी हुई है तो छान के सब लोग फिर बाहर चलते हैं खाते हैं। बाद में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, ये रात का खाना है जो कि तहरी बनी थी, वेज पुलाव भी बोल सकते हो, बहुत टेस्टी था। और ये वही चटनी जो हम लोगों ने बनाई थी। फ्रेंड खाना वाना हो गया है, रात के बज रहे हैं 10:30 और मैंने अभी तक इस वीडियो को एंड नहीं किया। तो गाइज आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ कल के व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बाय बाय फ्रेंड।